हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो बच्चे अकाउंटेंसी के एग्जाम को लेकर परेशान हैं कि सर कैसा एग्जाम होगा हमारा, क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा भी कि आपका एग्जाम कैसा आएगा, क्या आएगा, प्लस आपको समझाऊंगा भी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कर लो ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है अकाउंटेंसी का वो अच्छा हो जाए। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप मेरे से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेयर्स शेयर्स चैप्टर का आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने देखा होगा अगर आप डीके गोयल की बुक का इस्तेमाल करते हो तो 55-56 से जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, शेयर फॉरफिचर भी है, एडजस्टमेंट भी है, रिटर्न भी है, वो कम से कम 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना है, उसकी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ आपको। उसके बाद बात करी जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इस बार एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपको तीनों चीजें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग, ये आपका आएगा 6 से 8 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद जो रेशियो है, इनके जो फॉर्मूले हैं, बेसिकली आपको करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, आरओआई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर बात करी जाए डिबेंचर्स में, सेम जैसे कि शेयर्स हो जाएगा तो ऑलरेडी वहां पे आप डिबेंचर कवर कर लोगे। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में एंट्रीज आपको आनी चाहिए अच्छे से, एंट्रीज को लेकर क्वेश्चन आएगा, और खास करके लोन वाली एंट्रीज। एडमिशन और रिटायरमेंट में पहले चॉइस आती थी, अब चॉइस नहीं आएगी, एडमिशन का क्वेश्चन आपको एक अलग आएगा, रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस आएगी। तो एडमिशन में बस आपको एक रिवैल्यूएशन अच्छे से आना चाहिए, और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बहुत ही रेयर है आपको देखने को मिले। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको गारंटी वाला कंसेप्ट और पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। चेंज इन पीएसआर में जो गुडविल वाले क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये आपको करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अकाउंटेंसी में, और यही करना है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।